Hello, hello. Welcome to the Creative Business Owners series by Everyday Happy Humans, that is the Sunday special edition of Daily Marathwada Sathi. This is Devika Biyani, your host for the series, and we are going to capture some creative business owners and their stories through this series. We have found some professionals who have converted their passions into full-time careers and businesses for themselves. These people have unlocked some very, very unique ways to find happiness in their work and moved on from their course to make some very bold decisions and make their businesses a real life story. We are going to explore some 12 to 13 different business stories through this series. So here we are, let's get started with the story of today. And today we have with us a creative business owner whose story will definitely leave a smile on your faces. Hello everyone, my name is Aniket Magre. I'm dancer and dance performer and choreographer. And also founder of Rises Dance Studio. मेरा एक खुद का छोटा सा डांस स्टूडियो है जो कि मैं Rises Dance Studio इस नाम से चलाता हूँ N4 में. अभी जो मैंने स्टार्ट किया है, वैसे तो डांस में करते आ रहा हूँ अराउंड सेवन ईयर से. मैं डांस टीचिंग कर रहा हूँ सेवन ईयर से और डांस कर रहा हूँ मैं वैसे लाइक अभी 2008-09 से ऐसा करता हूँ. और मेरा एक ऐसा गोल था इस डांस क्लास चालू करने में कि मुझे भी बच्चों को सिखाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा जो भी कुछ नॉलेज है थोड़ा सा सो मैं बच्चों को देना चाहता हूँ. इसीलिए मैंने वो छोटा सा डांस स्टूडियो चालू किया है. और डांस मेरे लिए बहुत कुछ है जो कि अभी मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि बोलने गया तो बहुत कुछ है मेरा डांस का स्टोरी. जैसा कि मुझे बहुत कुछ दिया है अभी तक, जो भी कुछ मैं हूँ अभी फ़िलहाल सब डांस की वजह से ही हूँ अभी जो भी हूँ. और रही बात मैंने डांस कहाँ कैसे कहाँ पर किसके पास सीखा हो कहाँ कैसे करता हूँ, सो मैं एक सचिन सर बोल के है एक डांस क्लास ज्वाइन किया था मैंने 2009-08 में से. वहाँ पर मैंने कुछ साल डांस क्लास किया वो सर के पास. कुछ बहुत कुछ सीखने मिला मुझे वहाँ पे, बट कुछ कारण थे मुझे दो कुछ ढाई तीन साल किया था मैंने डांस क्लास उनके पास और वहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिला. बट मेरे थोड़ा सा फैमिली का इशू था, फाइनेंशियल कंडीशन मेरी घर की इतनी अच्छी नहीं थी, तो सो मैं वो काम छोड़ना पड़ा सॉरी क्लास छोड़ना पड़ा मुझे. और उसके बाद मैं एक किराना दुकान पे काम को जाने लगा. वहाँ पर मुझे कि बाबा पैसे मुझे मिलेंगे वहाँ से, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं था घर से. सो घर पर मैं बोला कि मैंने क्या काम करूँगा, अभी डांस क्लास नहीं करूँगा बोल के ऐसा. और उसके बाद मैं कंटिन्यू काम को लगा किराना दुकान पर. और उसके वहाँ से मुझे मंथली 300 रुपये महीना था मुझे रोज़ का, मुझे 10 रुपये मिलता था वहाँ पे. मैंने कंटिन्यू काम किया, फिर उसके बाद कुछ दिन किया मैंने उधर मंथ किया उधर. और उसके बाद फिर मैंने वो थोड़ा कम पेमेंट दे रहे थे, सो मैंने उसके बाद मैंने एक चाय की होटल ज्वाइन किया. चाय की होटल पे काम को गया, वहाँ पर मुझे 30 रुपये रोज़ देते थे वो लोग ग्लास धोने के काम करने के. सो वहाँ पर कंटिन्यू किया मैंने काम बहुत दिन वहाँ पर किया. फिर जैसे मैं जब काम करता था वहाँ पे चाय के होटल पे, तो ना मेरे क्या बोलूँ, जैसे वो जब ग्लास धोता था ना ठंडी में तो इतना ठंड रहता था और क्या बोलूँ मैं उसके बाद. और मेरा जो पैर था ना इतना काला हो गया था वो काम के, वो जो ग्लास धोते थे ना उसका पैर पर जो पानी पड़ता था मेरे, उसके वजह से इतना काला हो गया था. तो मैं क्या बोलूँगा, अगर नाखून से उसको ऐसा थोड़ा सा ये भी करा ना उसको तो सब वाइट हो जाता था. और डांस ने मुझे इतना कुछ दिया, इस आपको तो बोला है मैंने, और डांस की वजह से मेरे वही पैर इतने गोरे हो गए आज कि मैं बोल नहीं पाता, बयान नहीं कर पाता हूँ कि क्या फीलिंग है मेरे लिए डांस. और वैसे ही करते करते मैंने वहाँ पर कंटिन्यू काम किया जैसे इसमें. और उसके बाद मेरा एक फ्रेंड है, एक कपड़े की दुकान में काम करता था. फिर उसके बाद वो मुझे बोला कि यार क्या रोज़ ये काम करता, बोले अच्छा काम कर मेरे साथ चल बोले कपड़े की दुकान में. सो मैं उसके साथ फिर कपड़े की दुकान में काम को गया कपड़े की दुकान में, क्योंकि भाई वहाँ से मुझे अभी वहाँ से तो मेरे को 30 रुपये रोज मंथली 900 रुपये मंथ मिलता था.
फिर उसके बाद मैं जैसे कपड़े की दुकान पे ज्वाइन किया वो छोड़ के होटल का काम, फिर मुझे अच्छा लगा काम वो कि अरे अच्छा है, कुछ ग्लास वगैरह धोने का काम नहीं रहता है, बस कपड़े की घड़ी वगैरह मार दो और रख दो ऐसा। सो उधर मैं काम करने लगा, फिर वहाँ पर मैंने बहुत वहाँ पर ज़्यादा टाइम काम किया, मैंने ऐसे कुछ साल काम किया मैंने वहाँ पर। और उसके बाद जो मेरे पहले डांस क्लास जाता था वहाँ पर कंटिन्यू में काम करता था, वो जो डांस क्लास जाता था वो सर एक दिन कपड़े की दुकान में आए थे 3-4 पैंट लेने, मुझे अभी भी याद है 3-4 पैंट लेने आए थे वो लोग। तो उनको देख के मुझे ऐसा फिर से ये हुआ कि यार मैं फिर से डांस क्लास ज्वाइन करूँ, मैंने वो जो छोड़ दिया था, तो मुझे ऐसा खुद को लगा कि यार मैं फिर से डांस क्लास ज्वाइन करूँ, कि यार फिर से सीखूँ कुछ तो भी चालू करूँ, क्या है रोज़ का यही है काम काम काम। सो उस दिन फिर मैंने सर को उस दिन बाहर जाके वो सर को उस दिन 3-4 लेने आए थे वो सर, तो उनको जाके बोला सर मुझे फिर से डांस क्लास आना है। और सर फिर वो सर बोले ठीक है आजा, बोले कोई दिक्कत नहीं। फिर उनको फीस का वगैरह बोला था मैंने, फिर वो लोग मुझे मेरे पास से तो फीस तो ले नहीं ले रहे थे डांस क्लास की। फिर उसके बाद उनके पास मैंने फिर से डांस क्लास ज्वाइन किया, पर मुझे काम भी करना बहुत ज़रूरी था पर और डांस क्लास भी मुझे करना था मेरे ऐसे इसमें। तो वहाँ पर मैंने जो दुकान का जो मालक था तो उनके उनको मैंने एक घंटे का टाइम मांग के, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके एक घंटे का टाइम मांग के लिया था उनसे कि मुझे बाबा 8 से 9 बजे तक मुझे छोड़ते जाओ डांस क्लास के लिए। तो वो नहीं बोल रहे थे पहले, बट मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया वो सर मालक को कि मुझे डांस क्लास के लिए एक घंटे के लिए प्लीज़ छुट्टी चाहिए, उसके बाद फिर से मैं डांस क्लास काम को आते जाऊँगा। सो वो सर ने मुझे वो मालक ने मुझे एक घंटे का छुट्टी दिया था 8 से 9 बजे तक। फिर मैं वहाँ से घर पे जाके थोड़ा सा फ्रेश होके, बाजू में डांस क्लास था मेरे वहाँ घर के, वहाँ से घर पे जाके मैं तुरंत अपने डांस क्लास को जाता था और वहाँ पर एक घंटा प्रैक्टिस करके फिर से काम को आ जाता था, और वहाँ पर कुछ 10:30-11 बजे तक रहता था ऐसा। और वहाँ से फिर कंटिन्यू मैं ऐसा करने लगा। फिर कुछ साल बाद फिर मुझे वहाँ पर मैं जो क्लास में जाता था तो वो सर मुझे बोलने लगे, मैं सिखाने मैं बच्चों की वहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह लेने लगा। फिर ऐसा थोड़ा थोड़ा करते करते मुझे थोड़ा सा डांस का नॉलेज आने लगा। फिर इसके बाद वो सर ने मुझे एनुअल फंक्शन जो रहता है ना हर साल स्कूल्स में जाके कोरियोग्राफी करना पड़ता है, सो उधर जाके मैंने वो सर ने मुझे लेके गए थे और वहाँ पर उन्होंने मुझे बोला कि तू ये एक सॉन्ग सिखा दे। मैंने बोला अरे सर मैं कैसे सिखाऊँ कि मुझे कैसे आ जाएगा बोल के सिखाना, मेरा तो पूरा फट गई थी मेरी कि कैसे सिखाऊँ बोल के, कि फर्स्ट टाइम मेरे को मैंने अभी तक तो कोरियोग्राफी किया नहीं था। तो सर बोले थे कि नहीं कुछ नहीं कर पाएगा तू कर ले ऐसा कैसा तो भी करके मैंने थोड़ा सा वो कोरियोग्राफी ख़त्म कर दिया था। और वो सर को अच्छा लगा, बोले अच्छा किया बोले। मैंने बोला सर मेरे को आता नहीं था पर तो भी करके कर दिया मैंने ऐसा जो भी है, और ऐसा हुआ। फिर इसके बाद करने के बाद फिर वो ख़त्म होने के बाद मुझे सर ने मुझे पैसे दिए वो काम के जो मैंने ये किया था। तो वैसा ही थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा कि यार अच्छा है, फिर मैंने वो काम भी छोड़ दिया और फोकस पूरा मैंने डांस पे कर दिया जो भी कुछ है। फिर कंटिन्यू मैं डांस में फोकस किया और अभी उसके बाद खुद का मैंने डांस क्लास चालू किया और अभी जो भी कुछ हो बस अभी ऐसे आपके सामने हो ऐसा। और मेरे चेयर लीडर्स अभी जो कि उनके लिए बारे में बोलना तो बहुत बहुत कुछ है मेरे बारे उनको उनके बारे में बोलने के लिए, मेरे मॉम डैड और मेरे चाचा चाची है एक नागपुर कबल के, मम्मी पापा ने तो मुझे पहले से ही सपोर्ट करते आ रहे हैं, उनका आपको तो पता है अभी मॉम डैड रह ले तो कैसे क्या सपोर्ट करता है। और मुझे उन्होंने कभी रोका नहीं किसी चीज़ के लिए कि यानी कि तू वो मत कर ये मत कर ऐसा कभी नहीं रोका मुझे अभी तक जो भी खुद का करते हैं, और उनको भरोसा है मेरे पे कि यार यानी कि जो भी करेगा अच्छा ही करेगा बोल के। सो ऐसा करते करते कंटिन्यू करा। और मेरी एक बहन भी है जो कि उसकी शादी हो गई है, वो भी बहुत सपोर्ट करती है मुझे, हालांकि मेरे से बड़ी है बट मुझे भैया बोलते हैं अभी भी भैया ही बोलते हैं मुझे ऐसा। और मेरे जो एक चाचा चाची है नागपुर बोल के हैं, वो भी मुझे इतना पॉजिटिव वाइब देते हैं ना कि इतना सपोर्ट करते हैं, कुछ भी रहा ना मुझे तो बस बोलते हैं यानी कि तू बहुत अच्छा करेगा अच्छा। तो मुझे ना उनके पास से इतना एक पॉजिटिव वाइब मिलता है ना
बहुत ज़्यादा, यही मेरे चीयर लीडर्स हैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ अच्छे भी है और कुछ बुरे भी है, बट वो तो दुनिया की रीतें हैं अच्छे बुरे तो साथ में रहना भी चाहिए ऐसा, और ऐसा ही करते करते बस अभी यहाँ पर हूँ मैं। और मॉम डैड के जो उधर वाले हैं, मम्मी के घर के उधर से, वो लोग बोलते थे क्या करेगा ऐसा वैसा बहुत ऐसे, आपको कंटिन्यू, ये तो डांस आर्टिस्ट लोगों की तो यही लाइफ है, उनके पैर क्या बोलते हैं रिलेटिव्स तो उनको टोकते रहते हैं, और हर एक की लाइफ है, हर एक के लाइफ में रिलेटिव इंटरफेयर करते ही है। सो मुझे वो बोल रहे क्या करेगा ऐसा वैसा, पर कुछ साल बाद मैंने जैसे डांस मेरा अच्छा चलने लगा, क्लासेस वगैरह जैसे मैं लेने लगा इधर उधर, तो मैंने खुद का घर बनाया। ये पहले मेरे घर में तो फर्शी भी नहीं थी, क्या बोलूँ मैं आपको, तो मैंने खुद का घर बनाया, खुद की गाड़ी लिया और खुद का एक छोटा सा फ़ोन लिया, आईफोन और ऐसे बहुत से कुछ काम मेरे, सेविंग वगैरह ये वो, बहुत से कुछ काम मेरे उस डांस की वजह से बहुत कुछ अच्छा हुआ मेरा, अभी जो भी कुछ हूँ मैं। तो वही लोग जो मेरे को नाम रखते थे वो आज वही घर में आके वही फर्ची पे बैठ के चाय पीते हैं, और अभी मेरा एक भी, पहले बहुत नाम रखते थे पर अभी एक को भी मैंने ऐसा बोलने का चांस दिया नहीं कि यार बोल ऐसा है ही नहीं, अभी बोलते यार वो बच्चा है, अभी मेरे एग्जांपल वो लोग उनके बच्चों को दे रहे हैं। मेरा फेवरेट मूवी तो वैसे स्टेप अप है, जो कि डांस के रिलेटेड ही है वो सब, और अभी ऐसे क्योंकि उस वहाँ से ये होता है स्टेप अप। फेवरेट फूड तो बस यही मेरा खीर बोलते हैं, खीर मुझे बहुत पसंद है, मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है ऐसा, खीर एंड और पूरम पूरी पूरी अभी तक का बिगेस्ट अचीवमेंट तो वैसा, मैंने बहुत से कुछ अचीव किया है अभी तक का, और बहुत से कुछ मैंने इवेंट्स किए अच्छे बड़े बड़े, और बहुत बहुत कुछ मैंने बजाज कंपनी का एक प्रोग्राम किया है, उसके बाद ऐसे बहुत से कंपनी के काम किए हैं मैंने, बहुत से ऐसे अचीवमेंट है। ड्रीम क्लाइंट सेलिब्रिटी, सबके तो ड्रीम्स होते हैं, बट अभी मेरा ड्रीम क्लाइंट तो बस अभी ऋतिक रोशन सर है। थैंक यू फॉर हैविंग मी देविका मैम, स्पेशली थैंक यू सो मच फॉर मुझे इतना बोलने का चांस दिया, और मैं छोटे से आर्टिस्ट को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं वो लोग, और मेरी स्टोरी सब लोगों तक पहुंचा रहे हैं ऐसा। थैंक यू सो मच एवरीडे हैप्पी ह्यूमंस बाय डेली मराठवाड़ा साथी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच मैम। Hey, yeah, I'm back. So wasn't this a very interesting story? We have more such people who have expressed their happiness and unlocked happiness for themselves at their work. Keep checking this YouTube channel for more stories and check out Everyday Happy Humans, that is the Sunday special edition of Daily Marathwada Sathi. Link in bio.